एक्शन में रह सकते हैं, उनमें एक नेस्ले का शेयर भी रहेगा क्योंकि खबर पॉजिटिव है नेस्ले पर। नेस्ले ने मैगी के प्रोडक्शन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। अपने तीन प्लांट्स यानी कर्नाटका, पंजाब और गोवा में जो प्लांट मौजूद है वहां से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू किया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की क्लीन चिट के बाद ही मैगी का उत्पादन कंपनी ने शुरू कर लिया है। हालांकि प्रोडक्शन के बाद जो मैगी प्रोड्यूस की जा रही है उसको लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद ही उसको बाजार में उतारा जाएगा। लेकिन डेफिनेटली अच्छी खबर है नेस्ले के पर्सपेक्टिव। कल के सेशन में हालांकि 12 रुपए कमजोर होकर ये 6316 के लेवल पर क्लोज हुआ, लेकिन आज पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा सकता है। अविनाश, आपके कमेंट्स नेस्ले पर? आई थिंक डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है दीपाली, और जैसे भी हमने पहले भी कहा था कि पॉसिबली दिसंबर से हमको वापस मैगी यू नो दुकानों पे दिखने को मिलेगी, और क्लियरली इसका जो फिनेंशियल इम्पैक्ट है वो हमको शायद आने वाले नेक्स्ट 2-3 महीनों में देखने को मिलेगा। क्लियरली जिस प्रकार के एक पहले के जो अटकलें थे कि शायद दिसंबर के बाद प्रोडक्शन चालू होगा, ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि प्रोडक्शन उसके पहले ही शुरू हो रहा है। और क्लियरली अगर हम फिनेंशियल इम्पैक्ट देखें तो अगले साल डेफिनेटली मैगी के लिए और क्लियरली कंपनी नेस्ले के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। जैसे हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 20-25% टॉप लाइन मैगी से आता था, जो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी बना नहीं रही थी, तो डेफिनेटली नेट नेट पॉजिटिव ही है। याद रखिए, लेकिन आम और मैगी के बीच में अब एक और चीज